आई वुडंट सजेस्ट टू यूज रिकॉर्ड फ्रॉम फोन बाय द वे जो पीसी है या नहीं उसमें आवाज भी तो नहीं आती आई गेस आवाज छोड़ो उसमें नो आवाज तो माय डिस्कॉर्ड विल बी ऑन माय लैपटॉप आई वोंट स्टार्ट ऑन माय फोन अच्छा तो लैपटॉप पे खेलो ना फिर गेम आप आई डोंट नो हाउ टू डू स्नाइप किल्स ऑन लैपटॉप ना अबे यार तू नूब रे ये जो पूछा किसी ने है ना ये भी पीसी प्लेयर है मैं इन्हें पूछ लूंगी ये है बीबीसी में Among Us e-sports. Okay, कोई बात नहीं जब आएंगे तब पूछ लूंगी बिकॉज मुझे ऐसी खबर मिली है कि जाने दो जरूरत है ओके हां लॉबी 5 में प्रणव आप कर लोगे रिकॉर्डिंग मैं रिकॉर्डिंग तो नहीं कर सकता स्कोरिंग देख सकता स्कोरिंग अच्छा मांगा जाता है ना आते यार ठीक है और जिम है बीबीसी में नहीं नहीं वो बट इतना मुझे लगता है वो रिकॉर्डिंग नहीं करेगा फोन से ही खेलेगा अरे हम लोग लॉबी जा सकते हैं ना हमारा लॉबी नहीं नहीं अभी रुको अभी बहुत चीज समझानी है यार लॉबी 5 में भी फिर मेरे को एक मॉड चाहिए रिकॉर्डिंग करने वाला कौन है ना अरे मैं ना तो आप कहां हो आप दूसरे बीसी में हो ना वो नो वेयर है वो मैं था चलो बारे में आ जाएगा अच्छा वही मैं सोचूं हां ठीक है तो आप कर रहे हो फोटो ठीक है डन रिकॉर्डिंग नहीं कर सकता मैं रिकॉर्डिंग का मैंने हेलो गाइस कर लेना ना क्यों मेरा इतना लंबा नाम Among Us में बनेगा नहीं क्या करूं मुझे बस ये प्रॉब्लम है कि लैग बैक ना पड़ते है भाई स्पाई से तुम रिकॉर्डिंग कर सकते हो ना गेम की बिल्कुल कर सकता हूं ठीक है गुड ईवनिंग मेरी आवाज नहीं आएगी बस कोई बात नहीं चाहिए ठीक है लॉबी 6 में मेरे को एक मॉड चाहिए कर्विक्स मेरे को एक मॉड चाहिए एक या दो भी चलेगा क्या लॉबी 6 के लिए हां क्योंकि आप नहीं हो ना उधर नहीं आप लॉबी 2 में हो अरे अच्छा शिफ्ट कर रहे हैं मेरे को ओके ओके हां तो मेरे को लॉबी 2 में स्पाइसी चाहिए रिकॉर्डिंग लॉबी 2 में स्पाइसी अच्छा हां ठीक है ये ना देखो अगर टाई होगा ना मान लो दो से तीन बंदों के बीच में टाई हो रहा है और हमें दो बंदे पिक करने हैं तो हम ना बॉट यूज करेंगे सबको पता होगा ठीक है बिकॉज उससे ज्यादा फेयर कुछ हो नहीं सकता वोटिंग कराना सही नहीं लगता बिकॉज जो फ्रेंड्स है वो अपनी फ्रेंड्स को वोट करेंगे राइट तो हम बॉट ही यूज करेंगे ठीक है आप लोग ना अभी ये खोल लो टोनी रूल्स वाला चैनल ठीक है मैं फटाफट से रूल्स एक्सप्लेन कर दूंगी और फिर हम लोग चालू करेंगे गेम ठीक है अच्छा देखो पहले तो जितने भी बंदे यहाँ खेल रहे हैं ना मेक श्योर कि आप जो है ना अकाउंट साइन इन करके फिर खेलो आपको जो डिस्कॉर्ड पर नाम है ना ट्राई करना कि आपको वही नाम गेम में रहे जो पीसी प्लेयर्स है ना जो Among Us टीम क्राफ्ट वाला यूज करते हैं उनको छूट है कि वो अगर साइन इन नहीं करेंगे उनका नाम डिफरेंट है तो चलेगा बाकी जो फोन पे हैं जो ब्लू स्टैक्स पे खेलते हैं और जो स्टीम या एपिक के पेड प्लेयर्स हैं ना वो सब प्लीज आप लोग साइन इन करके फिर ज्वाइन करना गेम ठीक है डीएम्स वगैरह अलाउड नहीं है अगर हुआ पकड़ा गया कोई तो कर्विक्स बस मैं गुस्सा हो जा देंगे मैं गुस्सा हो जाऊंगा हां वो गुस्सा हो जाएंगे अरे सुनो ना लॉबी 5 में 12 सॉरी लॉबी 5 में 10 बंदे और लॉबी 6 में 12 है तो एक नीचे से ऊपर डाल दो शफल हो जाएंगे अगर बंदे नहीं आए तो डोंट वरी हर लॉबी में 10 बंदे एटलीस्ट मिलेंगे ही बाय द वे कितने रूम्स मतलब कितने मैचेस हो रहे हैं दो मैप्स अरे वेट 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 सब क्लियर करेंगे पहले सेंड कर सबको ठीक है बिल्कुल भी यू नो गाली नहीं देना टॉक्सिक नहीं होना किसी गेम प्ले को लेकर डिस्क्रेस नहीं करना कि ये नो बैंड ऑल कंट्रोल करना रेज होगा क्योंकि गेम में ठीक है Among Us हो जाता है थोड़ा स्ट्रेसी टूर्नामेंट्स में तो ये सब थोड़ा कंट्रोल करना अच्छा रहेगा प्यार से खेलना सब ठीक है जो भी नाम रहेगा आप लोगों का डिस्कॉर्ड पे वो नाम आप लोग गेम में भी रखना ठीक है उसके अलावा हम लोगों ने जो रिपोर्ट जो करेगा ये जो मीटिंग बुलाएगा हम उसको 30 सेकेंड्स का डिस्कशन टाइम दे रहे हैं ठीक है
तो आई रिक्वेस्ट कि जो भी बंदा मीटिंग बुलाता है या बॉडी रिपोर्ट करता है ना, सिर्फ उसको बोलने को देना, ठीक है? कोई किसी को टोकना मत. अगर मैं बॉडी रिपोर्ट कर रही हूँ ना, तो मेरे को अच्छा नहीं लगेगा कि कोई और बंदा जो है ना मेरे को टोक रहा है. पहले मेरे से मेरा इन्फो ले लो एंड उसके बाद आप लोग अपनी बात कर लो. किसी को फील होता है ना कि उसको बोलने को नहीं मिला, सबके पास एक बटन रहेगा, इमरजेंसी बटन, आप वो कॉल करो और अपनी बात को रखो, ठीक है? ये कंप्लेंट मत करना किसी भी मॉड से कि मुझे बोलने नहीं दिया और ये अनफेयर हुआ है कुछ भी, ठीक है? जैसे गेम खेला जाता है ना, सबके साथ इक्वल रहेगा सब कुछ, ठीक है? अभी देखो यार, हमने ना एक रूल रखा है डेड वाली चीज का. वो क्यों रखा है मैं बताऊंगी, बट उसकी वजह से ना स्टैकिंग हो सकती है, क्योंकि नो डाउट जो बंदे जिंदा रहेंगे ना, ज्यादा फायदा उन्हीं को होगा, राइट? तो स्टैकिंग हो सकती है. तो आई जस्ट रिक्वेस्ट कि जितने बंदे स्टैकिंग करेंगे ना, आप प्लीज थोड़ा कंट्रोल करना कि स्टैकिंग ना हो. अगर एक बंदा एडमिन पे खड़ा है ना, तो दो बंदे और मत जाना. एक बंदा वाइटिस पे खड़ा है तो दो बंदे और मत खड़े हो जाना. जो विजन होगा वो बहुत छोटा होगा, तो ये नहीं कि छोटा विजन है तो सब साथ में घूम रहे हो ताकि कोई मर ना जाए. क्योंकि अगर स्नाइपर होनी होगी ना, किसी को किल करना होगा, तो वो तो करेगा ही करेगा. उससे कोई मतलब नहीं कि कोई ग्रुपिंग कर रहा है, क्या कर रहा है, ठीक है? स्टैकिंग इसलिए बिल्कुल कम से कम रखना प्लीज, ठीक है? और मीटिंग खत्म होने के बाद ना, कोई किसी को बोलना मत कि आजा मेरे साथ चल, मुझे ये मिशन करना है, या मेरे पास मेड बे, आजा आजा. और गेम के बीच में ना माइक ऑन होना ही नहीं चाहिए किसी का भी, किसी का भी नहीं, ठीक है? अगर किसी डेड बंदे ने गलती से भी नाम लिया, वो नहीं खेलेगा नेक्स्ट राउंड, मैं पहले बता रही हूँ, ठीक है? हर लॉबी में मॉड रहेगा, वो चीज़ पूरा, वो लोग पूरा ध्यान रखेंगे इस चीज़ का, बट आप लोग भी ध्यान रखना, ठीक है? हाँ पूछो, कौन पूछ रहा था? मैं मोबाइल से खेल रहा हूँ, आईफोन से, सो मेरा माइक म्यूट में, अनम्यूट में ही रहेगा, पर मैं गोस्ट बनेगा तो साइलेंट हो जाए, ओके ना? ये तो हाँ ठीक है, बोलना नहीं है. हाँ ठीक है, ठीक है. यार मेरे को एक बात बोलनी है. बोलो बोलो यार. टास्क बार अपडेट एटलीस्ट मीटिंग तक तो रखो. मैं बताती हूँ उसका रीजन क्यों है नेवर, ठीक है? अभी गेम सेटिंग्स पे आते हैं हम लोग तीन स्टेज राउंड में हम लोग तीन बार खेलेंगे, तीन राउंड्स रखेंगे, ठीक है? तीन इसलिए क्योंकि दो में ऐसा होता है कि क्रूमेट्स हो सकता है कि मैं एक बार क्रूमेट बनी फिर मैं दोबारा बन गई, ठीक है? बहुत बहुत अच्छा पॉसिबल चांस है इस चीज़ का, ठीक है? और ये सबके साथ ही हो सकता है. तो जो क्रूमेट्स का स्कोर रहेगा ना, वो मोस्टली लोगों के बीच में टाई होगा, तो इसलिए हमने तीन राउंड रखे हैं, ठीक है? हम एक स्केल रखेंगे और दो पोलर्स रखेंगे, बिकॉज जो मेजॉरिटी है वो पोलर्स खेलते हैं जितना मुझे पता है, ठीक है? तो दो पोलर्स का रहेगा और एक स्केल्ड का रहेगा. इम्पोस्टर्स दो रहेंगे, चाहे 10 की लॉबी हो या चाहे 12 की लॉबी हो. 12 से ज़्यादा लोग नहीं खेलेंगे एक भी लॉबी में, आई अश्योर यू दैट, ठीक है? जो कन्फर्म इजेक्ट्स रहेगा वो ऑफ रहेगा. सब बंदों पर एक एक मीटिंग रहेगा. एनोनिमस वोटिंग भी ऑफ रहेगा, ठीक है? जो इमरजेंसी कूल डाउन है और किल कूल डाउन है ना, उसके बीच में 5 सेकेंड्स का डिफरेंस है, ठीक है? तो अगर आपको साबोटाज करना है ना ऑन 6, तो वह ऐसे करना कि जैसे ही आपको किल कूल डाउन में लाइक 7 सेकेंड्स बचा है ना, तो आप साबोटाज कॉल करो. यही एक ट्रिक है इस चीज़ को रिकवर करने के लिए, ठीक है? ऐसे ही करना. इसके अलावा जो प्लेयर स्पीड है वो 1.25 रहेगा, जो सभी रखते हैं. जो विजन है वो बिल्कुल सबसे छोटा रहेगा, 0.25, जिसमें सिर्फ बॉडी दिखता है और कुछ नहीं दिखता है, और साबोटाज होने के बाद सिर्फ पैंट दिखता है, ठीक है? कंप्लेंट मत करना. जो इम्पोस्टर विजन है, हम स्केल्ड में भी ज़्यादा रखेंगे और हम पोलस में भी ज़्यादा रखेंगे, ठीक है? टास्क फोर्स अपडेट्स नेवर हमने इसलिए रखा है, ठीक है? इसलिए रखा है क्योंकि देखो, समझो मीटिंग चल रहा है, ठीक है? मैं डेड हूँ, मुझे पता है कि मीटिंग चल रहा है और मेरे ही मिशंस रहते हैं. अगर ऐसे में मैं ऑन मीटिंग गेम लीव कर दूंगी ना टास्क बार देख के, और वो विन निकल जाएगा क्रूमेट्स का, तो वो बिल्कुल अनफेयर है इम्पोस्टर्स के लिए, ठीक है? और ये चीज़ को कंट्रोल कर नहीं सकते, ठीक है? क्योंकि मॉड्स खेलेंगे नहीं, मॉड्स मॉडरेट करेंगे बाहर से, ठीक है? इसलिए हमने जो टास्क बार अपडेट्स है वो नेवर रखा है. आप टास्क बार को देख के ना गेम लीव करेगा ही नहीं कोई. अगर कोई मीटिंग में भी कर रहा है तो किसी को नहीं पता कि उसने क्यों लीव किया है, ये कैसे लीव हुआ है, ठीक है? तो वो फेयर रहेगा सबके लिए, ठीक है प्रणव? यार बट फेवर में ज्यादा है गेम टास्क भी, देखो टोटल 9 है, मैप्स छोटे हैं और पॉइंट बहुत ज्यादा है. ये भी तो देखो ना, इम्पोस्टर को विन पे इतना पॉइंट मिल रहा है, ना क्रूमेट को किसी और चीज पे इतना पॉइंट मिल रहा है, इसलिए मिशंस ज्यादा रखे और पॉइंट भी उतने ज्यादा है.
यार बट एटलीस्ट पता तो चले, मीटिंग तक तो कर दो ना यार। मैं बता रही हूँ बहुत अनफेयर हो जाता है, क्योंकि लोग करते हैं, बंदे नहीं सोचेंगे जब उन्हें जीतना होगा, जब पॉइंट की ही बात आती है तो कोई नहीं देखता कि किसका मैच खराब हो रहा है। वो डीसी हो जाएंगे जानबूझ के, या वो डीसी कर देंगे। तो जानबूझ के डीसी देंगे, उनको पॉइंट मत देना ना, उनका पॉइंट काटना ना सही तो हमेशा से ही होता ना। ना 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 रीजन बिना देख, अगर किसी का नेट इशू के कारण डीसी हो गया तब वो उसको लाइक बाकी लोग एक्यूज करेगा फॉर डीसिंग लाइक फॉर द टास्क पर देंगे। नहीं पर हमेशा से लास्ट टूर्नामेंट है ना उसमें यही तो हुआ कि जिसका भी डीसी होता है चाहे कोई भी इशू हो फिर उसका पॉइंट नहीं। वो स्टार्टिंग में, अगर स्टार्टिंग में कोई डीसी हो जाता है तब हम रीसेट कर देते हैं एकदम स्टार्टिंग में। वो तो हम रखेंगे इस बार भी, मैं वो बात नहीं कर रही, मैं मीटिंग्स के टाइम पे जो मिशन को देख के लीव कर देते हैं ना बंदे, मैं उनकी बात कर रही हूँ। वो फेयर नहीं है इंपोस्टर के लिए। नहीं नहीं सुनो ना, अगर कोई भी लीव हो रहा है ना बीच के मीटिंग में, एक स्क्रीनशॉट लो अगर आप लीव हो रहे हो तो, या तो फिर कोई भी याद दिला बीच में, अगर कोई भी लेफ्ट हो रहा है ना तो बोलो कि स्क्रीनशॉट करके भेजो, सिंपल। बट नेवर में क्या है, नेवर रहने दो ना, नेवर रहने दो, मेरे हिसाब से बेटर रहेगा। क्योंकि लड़ाई होगी फिर बाद में, ठीक है। एक मिनट में कोई भी इम्पोस्टर जब हारेगा तो यही बोल देगा कि इन लोगों ने लीव क्यों किया, तो अलाउड ही नहीं था, फिर क्या करोगे आप लोग, दोबारा रीमैच तो हो नहीं सकता ना, इसलिए मैं कह रही हूँ मैं 215 कर दूंगी, बेस्ट रहेगा, छोटे छोटे मैप से दोनों, ठीक है चलेगा सबको। अबे बोल दो यार, देखो हमें तो पता नहीं, जय माता दी खिला लो। अरे चलेगा चलेगा बिल्कुल चलेगा, गेम खिला लो, आता तो है नहीं कुछ, क्या तेरे को खेलना नहीं आता, आपको सिखाते हैं हम लोग। जय माता दी बोलना और खेलते रहना, ठीक है। देखो विजुअल टास्क ऑफ रहेंगे, ठीक है, और कॉमन टास्क जो है वो 215 हो जाएंगे, ठीक है। इन गेम पॉइंट सिस्टम क्या रहेगा, क्रूमेट्स का बता रही हूँ, ठीक है। जितने भी क्रूमेट्स होंगे और वो सारे मिशन करके जीत रहे हैं, विक्ट्री स्क्रीन आ रहा है ना मिशन करके, तो हर क्रू को 5-5 पॉइंट मिलेगा, ठीक है। जो इम्पोस्टर्स रहेंगे ना, अच्छे से प्यार से अपना नाम बता देना कि हम दोनों इम्पोस्टर्स थे, ठीक है, उनको छोड़ के बाकी सबको 5-5 पॉइंट मिल जाएंगे, ठीक है। अब डेड का ऐसा सीन है कि जितने भी बंदे जो मरेंगे ना उनको हम टोटल स्कोर से माइनस वन कर देंगे, समझो। मैं क्रूमेट हूँ, मेरे जो फेलो क्रूमेट्स हैं वो जीत गए बाय डूइंग मिशंस, ठीक है, मैं मर गई थी लेकिन, तो मुझे 5 में से -1 हो जाएगा, सो मेरा 4 पॉइंट होगा इन टोटल, समझे। ये हमने इसलिए रखा है डेड वाली चीज, क्योंकि अगर हम ये नहीं रखेंगे तो जितनी भी मेजॉरिटी ऑफ क्रू होगी ना उन सबके टाई होंगे स्कोर्स, ठीक है, और फिर वो जब टाई होंगे तो ज्यादा बंदे आएंगे हमारे पास रोल करने के लिए, और वो फेयर नहीं है, राइट। सबका अपना अपना गेम होता है, तो वो स्कोर से हम लोग अगर उसको देखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, इसलिए ये चीज़ रखी डेड वाली, ठीक है। अगर क्रूमेट्स जो है ना इजेक्ट करके इम्पोस्टर्स को निकाल के जीत रहे हैं, मतलब वोट करके निकाल रहे हैं, तो जितने भी क्रूमेट्स होंगे चाहे वो डेड हो चाहे वो अलाइव हो, उन सबको 3 मिल जाएगा, और जो डेड होंगे उसका उस टोटल में से -1 हो जाएगा, ठीक है। इम्पोस्टर क्या रहेगा, चाहे इम्पोस्टर जिंदा हो या मर चुका हो उसका पार्टनर, अगर वो जीत रहा है तो 4 पॉइंट्स है, ठीक है, और वो हार रहे हैं तो 0 है। और पर किल का हमने सिस्टम रखा है, समझो मैं और फ्लिंट हम दोनों इम्पोस्टर्स हैं, ठीक है, मैंने करे 2 किल और फ्लिंट ने करे 4 किल, तो अगर हम जीत गए तो मेरा 4 पॉइंट मिलेगा मुझे जीतने का, 2 किल किया मैंने तो मतलब 0.5 + 0.5 = 1, तो मेरा हो गया टोटल 5 पॉइंट्स, ठीक है, और फ्लिंट ने क्योंकि 4 किल करे तो उनका हो गया 2 पॉइंट किल का, और इसके अलावा जीतने का 4 पॉइंट और, ठीक है, तो उनका हो गया 6, समझे। किल का अलग हम रखेंगे और विनिंग का अलग रखेंगे, ठीक है। जो बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होके खेलते हैं ना अपने पार्टनर पे, उसके चक्कर में हमने ये चीज रखी, ठीक है, ताकि इंडिविजुअल पार्टनर झूठ बोल रहे हैं तो समझ में कुछ नहीं आया, सुन के अच्छा लगा, गेम ही झूठ का है तो देखो यार, नहीं देखो रिकॉर्डिंग ना हर पीसी में होगी, कोई झूठ नहीं बोलेगा,
और अगर कोई पार्टनर झूठ बोलता है ना कि नहीं मैंने तो 5 मारे थे, इसने एक ही मारा, तो जो बंदे मरे हैं ना वो उस चीज को कंफर्म कर लेंगे, ठीक है? और जितने बंदे मरेंगे प्लीज याद रखना कि आप किसके हाथों मर रहे हो, और जितने बंदे मारेंगे ना वो प्लीज याद रखना कि कलर किसको मारा था, कहाँ पे मारा था और किसको मारा था, ठीक है? ये थोड़ी सी मेहनत कर लेना सबके सब, अच्छा रहेगा, ठीक है? चलेगा? कटो तो याद रखो, कटो तो याद रखो। और चलो दौड़ेगा दौड़ेगा। प्लीज पता नहीं मुझे। जितनी बातें सबने तेरी सुनी है उतनी अपनी ऑनलाइन क्लास में भी कोई नहीं सुनता। किसकी है? जितनी बातें भी तेरी सुनी है ना। माइनस पॉइंट करते हैं। उतनी ऑनलाइन क्लास में भी कोई नहीं सुनता। अच्छा माइनस पॉइंट कर। देखो पहले 3 राउंड्स होंगे, ठीक है? एक स्केल्ड होगा, 2 पोलस होगा, पहले पोलस फिर स्केल्ड फिर दोबारा पोलस, ठीक है? 3 बार लॉबीज बनेंगी, उसके बाद सेमीफाइनल्स करेंगे। रुको ना, हर लॉबी से ना 3-3 बंदे निकलेंगे जो आगे नेक्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई करेंगे, ठीक है? सेमीफाइनल्स के लिए, ठीक है? किसी का भी टाई होगा तो हम वो बॉट यूज करेंगे और रोल हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद हम लास्ट में फाइनल्स करेंगे, और फाइनल्स में सेटिंग्स का जो पॉइंट सिस्टम रहेगा वो डिफरेंट रहेगा, जो मैं बाद में अपडेट करूंगी, ठीक है? हाँ की बोलो। ब्लूनी एक बार वापस पॉइंट सिस्टम समझा दो, बिकॉज़ खुद करते हैं समझा, एक और बार वापस देखो यार। अगर क्रूमेट्स जो जीत रहे हैं वो मिशंस करके, टास्क करके जीत रहे हैं ना, यानी हर बंदा अपने मिशंस जो है ना 215 वो कंप्लीट कर रहा है और विक्ट्री स्क्रीन आता है, तो जितने बंदे क्रू थे ना, चाहे वो डेड थे चाहे वो अलाइव थे, उन सबको 5 पॉइंट मिलेगा, ठीक है? अगर कोई क्रूमेट जो है ना वोट आउट करके इम्पोस्टर को निकाल के फिर जीत रहा है ना, तो जितने भी क्रूमेट्स होंगे उन सबको 3 पॉइंट मिलेगा, ठीक है? डेड जो होंगे ना उनका हम फिगर आउट कर लेंगे, हर डेड बंदे का -1 हो जाएगा टोटल स्कोर में से बस, ठीक है? इम्पोस्टर कैसा रहेगा, अगर मैं और मियाओ हम दोनों इम्पोस्टर्स हैं और हम दोनों जीत गए तो 4 पॉइंट मिलेगा हम दोनों को अलग अलग, ठीक है? उसके अलावा जितने हम किल करेंगे ना पर किल के हिसाब से 0.5 जो है वो ऐड हो जाएंगे हमारे टोटल स्कोर में, ठीक है? बस ये है और कुछ भी नहीं, समझ गए सब? जो जो पॉइंट सिस्टम देख रहे हो समझ आ गया ना? अभी पूछ लो, बाद में प्लीज मत बोलना कि नहीं समझ आया, कुछ भी हो अभी पूछ लो। कोई दिक्कत नहीं, कोशिश कर रहा हूं मैं। अरे हर लॉबी में से एक तो रहेगा जिसको समझ में आएगा उसको, वो तो हर लॉबी में से तो एक होगा जो पॉइंट सिस्टम के बंदे कितने आए हैं। आप लोग ने सब स्विच कर लो अपने अपने लॉबीज में, सबको अपने लॉबी पता है ना, वो कर लो।